नीति चाचा को यही कहेंगे कि जो आप बेरोजगार जो लड़के हैं जो यहाँ रह चुके हैं, कहा गया ना कि पहले घर के लोग को दावत दो, घर में बचेगा तब ना बाहर वाले को पूछेंगे, जब घर के लोग खाएंगे ही नहीं तो बाहर वाले को क्यों पूछेंगे। 4 सीट जो अभी थी उपचुनाव में, 3 में तो महागठबंधन लीड कर रही है, 1 पे था। तो अभी अभी का क्या मतलब चाचा, पलटू राम है ना, कभी भी लड़ सकते हैं। 25 में कौन बोल तो रहा हूँ मैं, इसका कोई भी बता नहीं सकता है अभी इसका। ये आप किसी लीडर को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं भी किसी लीडर को मैं फॉलो करता था नीतीश कुमार को, बट लेकिन देखा जाए नजरिया कि हर स्टेट में जितनी भी स्टेट में नौकरी निकल रही है, अदर स्टेट में वो खुद का वहाँ का ज्यादा स्टूडेंट को दिया जा रहा है। एक ऑप्शन कि प्रशांत किशोर कि नीतीश कुमार, एक दो पहले ऑप्शन के जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल आएगा आपके लिए। इस मुद्दे पे मैं चुप्पी साधना ज्यादा पसंद करूंगा। दो लीडर में आपको कोई पसंद नहीं है? कोई नहीं है, दोनों तो वही है। चलिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। तेजस्वी एकदम खुल के, तेजस्वी अभी खुल के जवाब कैसे आ गया? देखिए, खुल के जवाब इसलिए आ गया, नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई झेल रहा है तो प्रशांत किशोर जी के कारण झेल रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर ही थे, आए थे चाय पे चर्चा करवा रहे थे, सबसे पहले चाय पे वो चर्चा करवाए, उसके बाद हर हर मोदी घर घर मोदी ये सब नारा निकलवाए, अच्छे दिन आने वाले हैं ये सब स्लोगन उन्हीं का था। लोग सोचा कि अच्छा दिन आ जाएगा, और बताइए आपके सामने बैठ खड़ा होकर आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मेरा अच्छा दिन है। एक कहावत भी है, बिहार में बहार है और बिना नीतीश कुमार के सब बेकार है। टिकेकर सरकार 25 में इधर से, हाँ ठीक है, ये एंगल से आपका 25 में किसकी सरकार? अरे आपको पता नहीं है, ये मूर्खवन के सरकार आएगा कभी। कौन मूर्खवन? अरे आओ, कौन है नवा फेल तेजस्वी यादव बैठल है, ओकर सरकार आएगा कभी। अब बताइए, तेजस्वी यादव बोलता है कि 300 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे। अरे भैया, तो बिहार में 243 को विधानसभा सीट है, कहाँ से लाएगा 57 को? बाबू जी के घर से कहा लाएगा? चारा चोरी में लालू यादव का सीटों चोरी कर लिया है क्या? किस जो है फिर से नीतीश से रहेगा, वो तो नारा आपका जदयू हो गया। मेरा नारा सुन लीजिए कि आर या पार, 25 में फिर से एनडीए की सरकार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं, आपके साथ सुधांशु शेखर। 2025 का चुनाव में अब 10 महीने से भी कम बचा है, हर एक वाली पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रही है। सेमीफाइनल हो गया है, यानी उपचुनाव के नतीजे आने बाकी हैं, वहां पता चलेगा कि सेमीफाइनल में क्या गेम हुआ, फाइनल की तैयारियां कैसे होंगी, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। उस समीकरण पे चर्चा होगी, पब्लिक से जो ये आसपास देख रहे हैं उनसे बातें होंगी कि कौन है 25 में और अभी के सेमीफाइनल में कौन लीड करेगा, कौन करेगा लीड, इसका तो अभी बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे स्टूडेंट के माध्यम से, नीतीश चाचा को यही कहेंगे कि जो आप बेरोजगार जो लड़के हैं जो यहाँ रह चुके हैं, कहा गया ना कि पहले घर के लोग को दावत दो, घर में बचेगा तब ना बाहर वाले को पूछेंगे, जब घर के लोग खाएंगे ही नहीं तो बाहर वाले को क्यों पूछेंगे। जैसे ही सरकारी के लेकर है, टीचर के लेकर है, रिक्वायरमेंट जो आया है अभी जो है डोमिसाइल के लेकर मुद्दा उठा हुआ है, इसमें भी स्टूडेंट लोग बहुत भड़के हुए, बहुत ज्यादा इस पे है, समझे कि नहीं। तो क्या लगता है डोमिसाइल वाला मुद्दा नीतीश कुमार को ले डूबेगा इस बार? वो तो कुर्सी तो लग लाइक जैसे चार पैर होती है कुर्सी का, निश्चित है कुछ न कुछ तो पैर उसका ही निकल पड़ागा, एकदम श्योर होना ही होना। इस 4 सीट जो अभी थी उपचुनाव में, 3 में तो महागठबंधन लीड कर रही है, 1 पे था। तो अभी अभी का क्या मतलब चाचा, पलटू राम है ना, कभी भी लड़ सकते हैं। 25 में कौन बोल तो रहा हूँ मैं, इसका कोई भी बता नहीं सकता है अभी इसका। ये आप किसी लीडर को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं भी किसी लीडर को मैं फॉलो करता था नीतीश कुमार को, बट लेकिन देखा जाए नजरिया कि हर स्टेट में जितनी भी स्टेट में नौकरी निकल रही है, अदर स्टेट में वो खुद का वहाँ का ज्यादा स्टूडेंट को दिया जा रहा है। कौन 25 में इस बार रहेगा बिहार में? 25 में 2025 का चुनाव में, 25 चुनाव विधानसभा, नीतीश कुमार क्या कुछ अच्छा कर दिए क्या? नीतीश कुमार करे या ना करे, जनता का तो मत है देना। नहीं करे फिर भी? हाँ, ऐसे कैसे नहीं करे तो क्या बताइए? क्या नहीं किए ये बताइए, आप बताइए क्या नहीं किए, आप बता दीजिए क्या नहीं किए। अभी तो जो मुद्दा उठ रहा है, किए तो ठीक है, एजुकेशन के मामले बहुत अच्छे किए हैं कि अपराध के मामले सब चीज़ को यानी रोकथाम हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा अभी उठा हुआ है एक मुद्दा अपराध का, बोलने कम हो गया अपराध तो बस एक ही चीज। दूसरा मुद्दा और मुद्दा अपराध का, और आपको जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है आपको लेके स्टूडेंट के लेकर है कि जिसमें अभी अदर स्टेट जितने भी सबको है, सारा राज्य है, हमारे झारखंड देख लीजिए अभी बहाली निकाला झारखंड में, और तो वो सबसे पहले दे रहा है, अच्छे ना अपने स्टेट वाले को दे रहा है। आपके हिसाब से शिक्षा में नीतीश कुमार बढ़िया काम किया है? कहाँ काम किया है, निकाला तो है बहाली, बहाली निकाला है, लेकिन कहने का मतलब अदर स्टेट वाले को मौका क्यों दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं? हाँ दीजिए आरक्षण जो है, सुनिए बात खत्म नहीं हुआ है, आरक्षण जो है दीजिए जो, लेकिन उसका कोटा वो दीजिएगा ना आप, कि अदर स्टेट वाले को भी अभी देते ना उठा कर दिल, क्यों आखिर कर रहे हैं? आपके साथ एक बार और ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन
कि प्रशांत किशोर कि नीतीश कुमार? ये तो पहले ऑप्शन दे, जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल आएगा आपके लिए। इस मुद्दे पे मैं चुप्पी साधना ज्यादा पसंद करूंगा। दो लीडर में आपको कोई पसंद नहीं है? कोई नहीं है, दोनों तो वही है। चलिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। तेजस्वी एकदम खुल के, तेजस्वी अभी खुल के जवाब कैसे आ गया? देखिए, खुल के जवाब इसलिए आ गया, नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई झेल रहा है तो प्रशांत किशोर जी के कारण झेल रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर ही थे, आए थे चाय पे चर्चा करवा रहे थे, सबसे पहले चाय पे चर्चा करवाए, उसके बाद हर हर मोदी घर घर मोदी ये सब नारा निकलवाए, अच्छे दिन आने वाले हैं ये सब स्लोगन उन्हीं का था। लोग सोचा कि अच्छा दिन आ जाएगा, और बताइए आपके सामने खड़ा होकर आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मेरा अच्छा दिन है? अच्छा दिन है, कम से कम बोल दो। अभिव्यक्ति की आजादी मिल रही है आपको? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिल रही, अभिव्यक्ति की आजादी भारत का संविधान देता है, तो उसके अनुसार बोल रहे हैं खुल करके, और कोई नहीं दे रहा है अभिव्यक्ति की आजादी। अगर बस चलती, अगर भाजपा का बस चलता ना तो बोलने भी नहीं देती। अच्छा, ऐसा कुछ है तब और क्या? हम सुनते थे कि मतलब लाल यादव के साथ में चुप रहता था लोग, मतलब सुनते हैं, हमने देखा नहीं होता। आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपके यहाँ पे ये सच टॉक्स लिखा हुआ है ना, इसको हटा करके मोदी का परिवार लिखवा लीजिए, ज्यादा बढ़िया लगेगा। क्यों क्यों, इसका भी जवाब आप ही दीजिए। इसका जवाब इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आप ही की तरह एक ईमानदार पत्रकार थे, हमारे संपर्क के हैं, मैं आपको बता दूंगा, हैं अभी जीवित हैं। तो एक बार अमेठी गए थे, उस समय सांसद थी आपकी माननीय स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि 13 रुपए किलो चीनी के बारे में, और वो ईमानदार पत्रकार गया, बस एक सवाल कर लिया कि मैडम 13 रुपया किलो चीनी कब मिलेगा। उसके बाद भाजपा के गुंडों ने पकड़ के उसे इतना परेशान किया था, कि मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, चलिए उस मुद्दे पे कभी और आएंगे, अभी अभिव्यक्ति की आजादी है जब बताइए। देश में मोदी जी के पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो हमारे जैसा युवा कैसे सुरक्षित रहेगा? मोदी जी तो अच्छे लीडर है, तब तो नीतीश कुमार जाके पैर पड़ जाते हैं। पैर देखिए, नीतीश जी बहुत चालाक आदमी है, बहुत तेज आदमी है। नीतीश जी अगर किसी का पैर पकड़ रहे हैं ना तो समझिए कि पैर खींच के गिराने वाले हैं। तो नीतीश जी अब जल्दी गिराएंगे। माइंड भी तो है, कम सीट पे देखिए अभी सत्ता भोग रहे हैं। तब और क्या, मास्टर माइंड है ना। देखिए नीतीश कुमार, एक कहावत भी है, बिहार में बहार है और बिना नीतीश कुमार के सब बेकार है। चाहे कोई भी गठबंधन हो, बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बना पाता है। कौन रहेगा 25 में? 25 में तो ही नीतीश जी रहेंगे। आप इनका कहना है कि सत्ता तो उखाड़ फेंकेंगे। ये आज से चौधे से इसमें बकर बकर हो रहा है। आप बताइए, चौधे से हो रहा है, है। अभी देखिए ये आजादी कोई भूलेगा अब? आजादी रात भर में कखन यू चल जा घर, अब कखन यू जाइए घर। लालू यादव का शासन आप देखे थे क्या? कैसा एगो पाइप के नल्ला तकला हमनी के मिला था? अरे राम, भर ठंडा कादो में आना जाना, ये हमने की परेशानी भूलेंगे। अच्छा, नया लीडर आया है प्रशांत किशोर, कैसा लगता है? वो तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन नीतीश से अच्छा भी कोई नहीं है। नीतीश से अच्छा कोई नहीं, कोई अच्छा पैर काहे पड़ जाते? पकड़ने दीजिए, जो गलती किया था उसका पीएम का भी पड़ जाते हैं, कोई अधिकारी का भी पड़ जाते हैं। पहले गलती कर चुके थे तो ही माफी मांग रहे थे कि अब गलती नहीं होगी। कौन गलती किए थे हमको बताइए? नीतीश जी जब बार बार पलटी मार दिए थे, एक तो साल भर के लिए ना, 17 महीने तो वही अब करें कि अब गलती नहीं होगा दोबारा। ठीक है ठीक है, तो और भी कुछ लोग होंगे, हम बात करेंगे, तो क्या कहिएगा भाई साहब? नहीं कुछ तो कह दीजिए, 25 में कौन? एक 25 में कौन? चाचा तो अभी कोई नहीं आने वाला है, सब मतलब की दुनिया। अरे बोलो, मतलब आप भावना में बह रहे हैं, भावना में बह रहे हैं। बीजेपी को तो वो जैसे चाहेगा वैसे कर सकता है, ठीक है? बीजेपी को अभी भी डर लगता है कि दीदी चाचा कब लड़ जाए, उनको तो अभी तक संकट है, कभी भी से नहीं बीजेपी है, समझे? ठीक है, और भी कुछ लोग होंगे तब भाई साहब, 25 में किसका सरकार? आएंगे नीतीश जी। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को क्यों पसंद कर रहे हैं? पिछले 10 साल 10 दशक से देखिए क्या है यहाँ पे, पहले क्या था अभी क्या था, कोर्ट विकास हुआ है पहले से। कौन के कर सरकार 25 में? 25 में इधर, हाँ ठीक है, ये एंगल से आपका 25 में किसकी सरकार? अरे आपको पता नहीं है, मूर्खवन के सरकार आएगा कभी? कौन मूर्खवन? अरे आओ, कौन है? नौवा फेल तेजस्वी यादव बैठल है, ओकर सरकार आएगा कभी? कहा भैया अभी ये बोल रहे हो कि इस बार हम बता दे रहे क्यों नहीं आएगा। अब बताइए, तेजस्वी यादव बोलता है कि 300 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे। अरे भैया, तो बिहार में 243 को विधानसभा सीट है, कहाँ से लाएगा 57 को? बाबूजी के घर से कहाँ लाएगा? चारा चोरी में लालू यादव का सीटों चोरी कर लिया है क्या? गजब बात है भैया, तो कहाँ से आप मूर्खों लगा बात कर रहे? मुख्यमंत्री नहीं, महामूर्खमंत्री बनेगा। अच्छा, बन भी गया तो मूर्खमंत्री बनेगा? मूर्खवान के जो है ना, महामूर्खमंत्री बनेगा, आपको पता है?
इसे आप सोच में मत रहिए, 25-30 जो है फिर से नीतीश से रहेगा, वो तो नारा आपका जदयू हो गया, मेरा नारा सुन लीजिए कि आर या पार 25 में फिर से एनडीए की सरकार। अच्छा, चार गो सीट पे उपचुनाव हुआ है, कौन लीड करेगा आपके हिसाब? आपको पता नहीं है? हमको इस तरफ सही में नहीं पता, बताइए। काला माइक वाले को घूम रहे हैं, हमको नहीं पता है, बताइए ना, थोड़ा बताइए आप अपने हिसाब से बताइए। एनडीए और लीक के बोलिए, गारंटी देना है तो दे दे रहे हैं। पिछले बार फिसल गए थे हमारा, फिसल गए ना, सुनिए ना, आपकी बार फिसलाने वाला काम करेंगे, आपको पता नहीं है, आपकी फिसला देंगे सबको। दो जगह सरकार का बायकॉट हुआ है, पता है कि नहीं? बायकॉट से कोई मतलब नहीं है भैया, आपको 23 तारीख को आइएगा, यहीं पे आपको मिठाई खिलाएंगे हम, एकदम बिल्कुल बता दे रहे, आओ खिलाएंगे मिठाई, झारखंड महाराष्ट्र भी खिलाएंगे, लीक के गारंटी लीजिएगा। आएंगे हम, मिलेंगे जरूर भाई साहब। 25 में किसका सरकार? 25 में एनडीए सरकार, एनडीए सरकार फिक्स वाला, फिक्स है। और तेजस्वी यादव कहाँ? तेजस्वी यादव दूसरी स्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर से, मेन लड़ाई जो है से दूसरा स्थान का लिए है, पहला स्थान तो फिक्स है, दूसरा स्थान के लिए लड़ाई उन लोग का लड़ा जा रहा है कि हम बड़ा कि तुम बड़ा। वो तो आपको जो भी 23 तारीख को दिखा देगा, चार को सीट का उपचुनाव हुआ है ना, सेकेंड स्थान दो स्थान जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं बेलागंज और उसके बाद इमामगंज, तो वो दो सीट आने वाले हैं। किसकी सरकार 25 में? 25 में बीजेपी और जदयू का सरकार है, ये कंफर्म, हमसे स्टम्प पेपर लाइए। अच्छा। नहीं तो आपका चप्पल में आई, नहीं तो मैं उठाएंगे जिंदगी भर। अच्छा, तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव करार पर रहेंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, लास्ट में एक दो पार्टी समर्थन दे दिया तो आरजेडी का सरकार हो जाएगा। और बता देते हैं, 243 जो सीट आया है बीजेपी के, अगला बेर 150 पर साफ हो जाएगा, आपको करेजा पर हम लिख देते। आप दो तरह का बात कर रहे हैं महाराज, आप दो तरह का बात, आप जैसे पूछो वैसे बताए। अच्छा ठीक है, प्रशांत किशोर कैसे नेता लगते हैं? प्रशांत किशोर काय के नेता भाई, पागल है आप का हो? अच्छा बताइए, से बात कर रहे हैं? 22 साल की उम्र में राजनीतिक गढ़ में जन्मे, राजनीति है, कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को बना दिए, हम मोदी को बना दिए, 9 गो में काम किया, 8 गो का सीएम बनाया, जाग देखिए बंगाल का दशा क्या है, नायडू का दशा जाग देखिए क्या है, हैदराबाद में क्या है, केरला में जाकर देखिए क्या है, अभी भी गरीब रह रहा है चदरा में, जाग देखिए बंगाल में भात खाली खा रहा है, रह रहा है, आप वोट दिलवाने का बात करते हैं, हम नहीं, हम ही चाहते हैं चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे प्रखंड का चुनाव हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आपके बात पर हम वोट दिए, मेरा इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी आया है मेरा, हमको दिलवाइए, मतलब आप उस समय दलाल नहीं बनिए, आप हमसे वोट दिलवा दीजिए। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से प्रशांत किशोर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर थे, आप उनकी बात मान गए? मान लिए, हम उसका जीवनी पढ़े, एक एक बुक पढ़े है उसका, 3 घंटा के इंडिया टीवी पर उसका इंटरव्यू सुने है, वो एक नंबर नेता है। हाँ। मगर सीट एक भी नहीं लाएगा, एक भी सीट नहीं, नहीं लाएगा। अच्छा, उपचुनाव में क्या होगा? चार सीट कुछ नहीं होगा, चार सीट जदयू, एगो बीजेपी लेगा, सुनील पांडे बेटा वाला फरिया लेगा, जैसे फरियाए, दो गो आरजेडी लेगा, एगो जदयू लेगा। अच्छा, मतलब बराबर, हाँ, 50-50 कन्फर्म है भैया। उपचुनाव है, 6 महीना बाद फिर चुनाव है, तो काहेल बकवासी, काहेल वो दिमाग लगाएगा, सेमीफाइनल आधा 50-50 ओवर का, 25-25 का गेम चल रहा है। चलिए ठीक है, लोगों का कहना है कि सेमीफाइनल इस बार आधा आधा होगा, फाइनल में पूरा होगा। 6 महीना मतलब 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और इसमें पता चल जाएगा कि कौन हार आएगा, कौन पार आएगा, और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बाकी हम तमाम मुद्दों के लिए फिर से यहाँ पे आते रहेंगे, आपको लोगों का समीकरण बताते रहेंगे, लोगों की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें सच टॉक्स।